हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी एस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ कपिल देव और आज है दिनांक दो फरवरी तो जी हां तो एक तो सबसे बड़ी बात कि भाई जनवरी का महीना समाप्त हो चुका है यानी कम दिन बचे हैं आपकी तैयारी में तो तैयारी करते रहिए पढ़ते रहिए और अपनी शिक्षा को या फिर कहा जाए अपनी जो पढ़ने की स्पीड है आप उसमें तेज़ी लाइए समय कम है चाहे यू की बात कर लीजिए या फिर यू की बात कर लीजिए आपके जो आगामी पेपर हैं उनके लिए समय कम है तो आपको अब बहुत गहन पढ़ाई करनी पड़ेगी या फिर कहा जाए गहन अध्ययन करना पड़ेगा तो जी हाँ इसी के साथ देखा जाए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो हम ला रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए खास करके यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए जो इन एग्जामों में लगभग आने वाले प्रश्न हैं या फिर कहा जाए प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे और जो भी आने वाले प्रश्न हैं या फिर कहा जाए संभावित प्रश्न हैं उनकी भी हम व्याख्या करने वाले हैं तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों जी हाँ कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ शीला जी आ, काल भैरव आराधना जी सावी जी स्वागत है आप सभी का तो एक बार सभी लोग क्या करेंगे सेशन को शेयर कर देंगे ताकि जो और बच्चे हैं वो जुड़ जाएं जी हां अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए दोस्त चलिए शुरू करते हैं अपने आ, सेशन को सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं हम आपसे आज का आ जाए प्रश्न है आपके लिए काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है तो घबराइए बिल्कुल नहीं बहुत आसान सा प्रश्न है वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है वर्ष 2017 में पूछा किसने यूपीएससी ने पूछा आपसे वर्ष 2017 में यह यूरोपीय संघ की एक पहल है दूसरा यह लक्षित विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजट में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है तीसरा इसका समन्वय विश्व संसाधन विश्व संसाधन संस्थान और विश्व व्यापार परिषद फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। इतना भारी भरकम प्रश्न बनाने का जो मतलब होता है तात्पर्य होता है आयोग का तो ये याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है आपके ऊपर और हाँ आपकी जो क्षमता होती है ना इन दबाव को सहने की या फिर इस प्रश्न को टैगल करने की आपने कितनी गहन पढ़ाई कर रखी है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था बस उसको जांचने की एक प्रक्रिया है कुछ खास नहीं है उसको जांचने की एक प्रक्रिया है ठीक अब बात करते हैं किसकी जी हाँ बात करते हैं इस प्रश्न की तो देखा जाए तो यहां पर सही उत्तर चुनना है आपको तो उत्तर यहां पर देखा जाए तो क्या हो सकता है विकल्प ए यानी कि आपका देखा जाए केवल एक और दो सही है तो जी हाँ वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन की बात करें तो यह यूरोपीय संघ की एक पहल है और यह देखा जाए लक्षित विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजट में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता क्या करती है प्रदान करती है ताकि वो क्या कर सकें क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें जी हाँ और देखा जाए जा, दोस्त तो बात करें किसकी बात करें आपके द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस की तो यह देखा जाए दोस्त क्या है देखा जाए दो में इस गठबंधन को शुरू किया गया था याद रखिएगा वर्ष 2007 में इस गठबंधन को शुरू किया गया था जी हां 2007 में विकासशील देशों और यूरोपीय संघ के बीच जलवायु परिवर्तन पर सहायता को मजबूत करने के लिए यूरोपीय आयोग द्वारा 2007 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन शुरू किया गया और ये देखा जाए दोस्त यह पहल छोटे द्वीप विकासशील राज्यों विशेष रूप से कम विकसित देशों जैसे कमजोर स्थानों में जलवायु परिस्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित किया गया है जी हाँ ये याद रखिएगा चीजें तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस वर्ष 2007 में जी हां 2007 में लाया गया था किसके द्वारा कि लाया गया था आपके यूरोपियन जी हां यूनियन द्वारा यूरोपियन यूनियन द्वारा या फिर यूपी आयोग द्वारा यूपी कमीशन द्वारा यूरोपियन कमीशन द्वारा ठीक अब देखा जाए दोस्तों तो इसने 2015 में क्या किया 2015 में अपने आप को अपग्रेड किया यह भी चीजें याद रखिएगा 2007 में तो लाया ही गया लेकिन 2015 में क्या हुआ यह आपका देखा जाए दोस्त जी हां ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस बन गया जी हाँ दो में क्या हुआ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस बन गया ठीक कब बना दो में अब देखा जाए दोस्तों तो 2015 से अब तक की बात करें या फिर कहा जाए 2017 तक की बात करें तो यहां पर इन्होंने क्या किया इन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस नाम से एक प्रमुख पहल यह बन गई कब 2015 में अब देखा जाए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जी हाँ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों का समर्थन भी करती है जी हाँ जो आपकी एन होती है उसका भी क्या करती है या समर्थन करती है और इसमें देखा जाए दोस्तों दो में जलवायु परिवर्तन पर पेरी समझौते के बाद मध्यम आय वाले देशों को भी शामिल किया गया जी हाँ मध्यम आय वाले देशों को भी क्या किया गया है शामिल किया गया है दो में और देखा जाए दोस्तों ये आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस क्या कर रहा है दो से राहत गतिविधियों को भी इसने शामिल करने के लिए खुद का विस्तार किया है यानी कि कहा जाए जलवायु परिवर्तन के चलते जो आपदाएं आ रही हैं उनमें भी यह क्या कर रहा है उन गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया है यानी कहा जाए जलवायु परिवर्तन के चलते जो आपदाएं आ रही हैं उनके निस्तारण में उनके समन में यह अलायंस क्या करता है भाग लेता है जी हाँ यह अलायंस भाग लेता है तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एलायंस है याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक दोस्त चलें आगे आईएनडीसी की बात कर लें जी हां एनडीसी की बात कर लें तो एनडीसी की जो टारगेट्स रखे गए कब देखा जाए एनडीसी आपके देखा जाए कब लाए गए 2015 में जी हां कोप 21 पेरिस सम्मेलन यहां पर क्या किया गया भारत ने भी भाई सबने अपना अपना निर्धारित लक्ष्य चुना देशों का कि भाई हम क्या करने वाले हैं उत्सर्जन की बात पे कार्बन स्टोरेज की बात पे या फिर कहा जाए नई जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अपनाने की बात पर क्लीन एनर्जी को अपनाने की बात पर बातें कही गई तो सारा का सारा जो निचोड़ रहा वह यह था कि हमको क्या करना है इमिशन कम करना है फिर दोस्त हमें क्या करना है इमिशन कम करना है यानी कहा जाए उत्सर्जन हमें कम करना है जिससे हो रहा था क्या तापमान में वृद्धि हो रही थी जलवायु परिवर्तन हो रहा था और बहुत सारी समस्याएं संपूर्ण विश्व के सामने लक्षित हो रही थी अब वही बात करें तो 2015 में क्या हुआ यहां पर इमिशन इंटेंसिटी की रिडक्शन की बात या कटौती की बात कही गई कि 2030 तक हम क्या करने वाले हैं 2015 में टारगेट सेट किया गया कि 2030 तक हम क्या करने वाले हैं इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन की बात तो भारत ने कहा 2015 में कि हम 2005 के लेवल से 33 से 35 परसेंट को क्या करेंगे कम करेंगे इमिशन इंटेंसिटी जी हां इमिशन को हम कम करेंगे कितना 33 से 35 परसेंट बात करता किसकी नॉन फॉसिल फ्यूल्स की जो आपकी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है यानी कि जो हमारी स्थापित अभी विद्युत ऊर्जा क्षमता है उसमें हम कितनी नॉन फ्यूल आधारित ऊर्जा को शामिल करेंगे 2030 तक हम चालीस परसेंट करेंगे और देखा जाए दोस्तों कार्बन की सिंक करने की बात आई तो हम 2030 तक 2.5 से लेकर तीन जी हां बिलियन टन तक कार्बन को हम सिंक करेंगे ये लक्ष्य निर्धारित किया किसने भारत ने दो में लेकिन अब देखा जाए तो दो की बात करें तो भारत ने इन टारगेट्स को क्या किया है अपडेट किया है तो जहां हम 33 से 35 परसेंट कटौती की बात कर रहे थे तो इसको बढ़ाकर हमने कितना कर दिया 45 परसेंट कर दिया जी हां 45 परसेंट कर दिया क्यों कर दिया कि भैया यहां पर देखा जाए कि भैया 24 परसेंट रिडक्शन अचीव्ड इन दो हजार सोलह में जी हाँ तो और देखा जाए एस्टिमेटेड जो 30 परसेंट था उसको भी हमने अचीव कर लिया तो अब हम जो हमारा इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन है इसको हमने बढ़ाकर तैंतीस से पैंतीस परसेंट से पैंतालीस परसेंट कर दिया है जी हाँ फोर्टी फाइव परसेंट कर दिया है और यहीं पर नॉन फॉसिल यूज की बात करें तो हमने कहा कि चालीस परसेंट तक हम क्या करेंगे हम यहां पर गैर जीवाश्म ईंधन यूज करेंगे किसके लिए विद्युत उत्पादन में जी हाँ यहीं पर देखा जाए तो हमने इस साल जी हाँ 2022 के लास्ट में इकतालीस दशमलव पांच परसेंट अचीव कर लिया क्या हमने यह टारगेट तो हमने यह टारगेट बढ़ाकर कितना कर दिया पचास परसेंट कर दिया कि भाई 2030 तक हम पचास परसेंट जो है नॉन फ्यूल्स का जो है शेयर हम कहा, अपनी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की उसमें हम शामिल करने वाले हैं और अभी जो हमने कहा कि दो तक दो से तीन बिलियन टन कार्बन सिंह करेंगे उसमें कोई बदलाव नहीं किया वह दो तक वैसे ही बना रहेगा ठीक ये चीजें आप याद रखिएगा बिल्कुल दोस्त ये चीजें आप याद रखिएगा क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे जी हाँ क्वेश्चन आपके यहां से बनने वाले आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर जी हाँ समुद्री घास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए समुद्री घास का नाम सुना होगा आपने अभी कल आप पढ़ रहे थे क्या हाथी घास के बारे में पढ़ रहे थे आज समुद्री घास के बारे पढ़ के में पढ़ लीजिए जी हाँ समुद्री घास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें पहला समुद्री घास फूल बनाने वाले या फूल वाले पौधे हैं जो खाड़ी और लैगून जैसे उथली समुद्री पानी में डूबे हुए उगते हैं ठीक दूसरा अटलांटिक के समीतोष जल में दुनिया के समुद्री घासों की सबसे अधिक विविधता है तीसरा समुद्री घासें प्रकाश संश्लेषण करती हैं और अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन भी करती हैं क्या बात है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा यहां पर बात हो रही किसकी श्री सी ग्रास की समुद्री घास की बात हो रही है पहली बात कि आप लोग जब भी समुद्री घास का नाम सुने तो भ्रम में बिल्कुल मत रहें समुद्री घास जो है वो क्या है घास नहीं है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं फूल वाले पौधे हैं समुद्री घास जो है आपके फूल वाले पौधे हैं इनको घास के नाम से या फिर कहा जाए ग्रास हम कहते हैं ठीक ये चीजें याद रखिएगा तो पहली बात कर लें, पहले कथन की तो ये फूल वाले पौधे हैं तो जी हां पौधे हैं ये और ये खाड़ी लैगून जैसे उथले समुद्री पानी में डूबे हुए उगते हैं जी हां डूबे रहते हैं पानी के नीचे अटलांटिक के समीतोष जल में दुनिया के समुद्री दुनिया में समुद्री घासों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है विविधता मतलब अधिक प्रजातियां होंगी यहां पर तो ऐसा नहीं है दोस्त यहां पर हम बात कर लें किसकी इंडो पैसिफिक की ठीक दोस्त याद रखिएगा इंडो पैसिफिक यहां पर देखा जाए दोस्त सर्वाधिक विविधता पाई जाती है लगभग चौदह प्रजातियां ठीक दोस्त चौदह प्रजातियां पाई जाती है कहा आपके इंडो पैसिफिक में Atlantic के अटलांटिकोष जल में नहीं पाई जाती विविधता कि दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइ क्या बनाएंगी भोजन और ऑक्सीजन को क्या करती है मुक्त करती है तो उपयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको तो जी हाँ तो यहां पर सी विकल्प जी हाँ सी विकल्प केवल एक और तीन जी हाँ केवल एक और तीन जो है आपके सामने होगा ये है आपके क्या सी ग्रासेस है तो ये क्या है दोस्त ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें बीज भी होते हैं याद रखिएगा है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बीज फूल सब होते हैं इसमें फ्लावर भी होते हैं इनमें बीज भी होते हैं और देखा जाए दोस्त ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं और ऑक्सीजन को क्या करती हैं जनरेट करती हैं और देखा जाए दोस्त इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं जी हाँ क्लोरे क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं ये ये कहा सॉल्टी और बैकिस वाटर में ये उगते हैं आपके ठीक तो ये देखा जाए दोस्तों एनर्जी फ्रॉम द सन कन्वर्ट इन टू केमिकल एनर्जी टू ग्रोथ जी हाँ ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और जो ये प्रकाश ग्रहण करने के बाद केमिकल एनर्जी को किस में बदल देते हैं इसकी वृद्धि के लिए या फिर कहा जाए इनके उपयोग के लिए बदल देते हैं जी हाँ तो ये क्या करते हैं पौधे वृद्धि करते हैं याद रखिएगा ये पौधे वृद्धि करते हैं और देखा जाए दोस्त इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि अधिकांश प्रजातियों में लंबी हरी घास जैसी पत्तियां होती हैं ठीक याद रखिएगा लंबी हरी घास जैसी पत्तियां होती हैं इसीलिए इनको सी ग्रास कहा जाता है तो सी ग्रास नहीं है भैया ये क्या है ये आपके है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं याद रखिएगा फ्लावरिंग प्लांट्स से पौधे हैं ठीक ये पौधे हैं आपके तो देखा जाए दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं ये देखा जाए दोस्तों ये क्या करते हैं ये आपके फूल जी हाँ ये आपके फूल पैदा करते हैं या फिर कहा जाए फूल प्रोवाइड करते हैं तो इनमें फूल पाया जाता है इनमें बीज पाया जाता है याद रखिएगा साथ साथ देखा जाए इनमें फल भी आते हैं जी हाँ फल भी आते हैं और सी वीड्स, देखा जाए तो ये ये क्या होते हैं दोस्त इनसे निकलते या प्राप्त होते हैं सी ग्रास और सीवीड की बात करें तो ये थ्रेटन बाय डैमेजिंग फिशिंग एंड मेथड्स ऑफ पॉल्यूशन ये देखा जाए तो सी वीड्स या जो देखा जाए सी ग्रासेस जो होती हैं ये क्या होती हैं ये खतरे में है किससे किसके चलते? चलते मत्स्य के चलते मछली पकड़ने के चक्कर में हम सी ग्रास को सीवीड्स को क्या करते हैं उनके जो स्थान है उनको हम नष्ट कर देते हैं ठीक है दोस्त और देखा जाए दोस्तों के पास क्या होती है जड़े होती हैं ठीक लेकिन सीवीड्स की बात करें सीवीड्स की बात करें सीवीड्स के पास जड़े नहीं होती ठीक जड़े नहीं होती याद रखिएगा सी ग्रास क्या है फ्लावरिंग प्लांट है एंड सीवीड्स क्या है माइक्रो एलगी है जी हाँ सीवीड्स क्या है माइक्रो एलगी है याद रखिएगा तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है सी, की बात और आपके इस फ्लावरिंग प्लांट्स की बात अब देखा जाए दोस्त ये 100 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुए और लगभग बहत्तर विभिन्न समुद्री घास की प्रजातियां वर्तमान समय में देखी जा रही हैं लेकिन चार प्रमुख समूहों में क्या है ये वितरित है तो देखा जाए दोस्त तो सी काउग्रास जी हाँ सी काउग्रास देखा जाए सी काउग्रास थ्रेडी सी ग्रास नीडल सीग्रास और साथ साथ देखा जाए दोस्तों फ्लैट टिप्ड सीग्रास जी हाँ, grass, 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 और रिबन ग्रास इनकी प्रजातियां हैं और देखा जाए तो सर्वाधिक प्रजातियां प्रजातिया आपके, प्रजातिया आपके इंडो पैसिफिक में जी हाँ इंडो पैसिफिक में उबंधी जल में दुनिया में समुद्री घासों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है लगभग यहां पर कितने चौदह प्रजातियां पाई जाती हैं चौदह प्रजातियां और ये सीग्रास अंटार्कटिका को छोड़कर संपूर्ण महाद्वीपों में पाए जाते हैं याद रखिएगा और इनका वितरण कहां है दोस्त भारत में तो तमिलनाडु के पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में सी आपको मिलती हैं तो सी ग्रास के अलावा आपको क्या याद रखना है ड्यूगोंग याद रखना है सीकाउ जिसको हम बोलते हैं समुद्र की गाय ड्यूगोंग ठीक दोस्त तो याद रखिएगा जुगोंग को भी सीग्रासी को भी आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न जो है दोस्त आपके लिए बहुत छोटा सा है जी हां बहुत छोटा सा है उच्चतम जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की उम्मीद निम्नलिखित में से कहां की जा सकती है यह प्रश्न है आपका कि भाई कहां जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम बोलते हैं निम्नलिखित में से सर्वाधिक रूप से कहां की जा सकती है ठीक एक बहती हुई नदी में दूसरा एक बहती हुई प्रदूषित नदी में तीसरा उपचारित नगर निगम अपशिष्ट जल में चौथा या डी अनुपचारित नगर पालिका अपशिष्ट जल में भाई उपचारित जल है जिसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है बहता हुआ नदी है बहती हुई यदि प्रदूषित नदी है तो भी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है किसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की तो यहां पर अनुपचारित नगर पालिका अपशिष्ट जो जल में होगा वहां पर क्या होगी डिमांड बढ़ जाएगी किसकी ऑक्सीजन की जी हां ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी बढ़ जाएगी अब यह कोई तालाब अगर है कोई तालाब है अगर वहां पे अगर आप देखेंगे क्या देखेंगे कि उसमें आपने कचरा फेंकना शुरू किया उस तालाब में आपके घर के जो अपशिष्ट हैं वो आने शुरू हुए उससे क्या हुआ उससे देखा जाए तालाब अलग प्रकार से व्यवहार करने लगता है तालाब में देखा जाए दोस्तों हार्मफुल एलगल ब्लूम जैसी घटनाएं होने लगती हैं, यानी कि कहा जाए सवाल प्रस्फुटन जैसी घटनाएं होने लगती हैं अब सब सवाल की उत्पत्ति हो जाएगी जी हाँ सवाल की उत्पत्ति हो गई वहां पर ठीक शैवाल की उत्पत्ति हो गई उनमें जो पौधे पहले से रह रहे हैं वो तो हैं ही साथ साथ देखा जाए तो नीचे यहां पर क्या है जीव जंतु भी हैं ठीक तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग ऑक्सीजन का सेवन करते हैं जीवन जीने के लिए ऐसे में यदि जो है इनमें वृद्धि हो जाए जी हाँ किसकी वृद्धि हो जाए यहां पर जो फाइटोप्लैंक ब्लूम की बात करें इनमें क्या हो जाएगी दोस्त तो इनमें जो घुलित ऑक्सीजन है पानी में वो उपयोग करेंगे इन सबका जी हाँ तो ये क्या हो जाएगी ये देखा जाए ट्रैप्ड हो जाएगी ऊपर की ऊपर आपकी ऑक्सीजन यानी कि कहा जाए जो ऑक्सीजन जल में घुलित है वो नीचे तक नहीं पहुंच रही है नीचे रहने जो जो जीव हैं मछलियां है, यहां तक घुलित ऑक्सीजन है यहां तक नहीं पहुंच रही है तो ऐसे में क्या होगा ऐसे में ये जीव मर जाएंगे जी हाँ ये जीव मर जाएंगे याद रखिएगा ऐसे में ये जीव मर जाते हैं चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर खबरों में देखा जाने वाला कीट पिंक वॉलवर्म जी हाँ ज्यादातर प्रभावित करने के लिए जाना जाता है किसको ए गेहूं को बी कपास को सी सुपारी को डी मिर्च को पिंक वर्म का नाम तो बहुत आसान सा प्रश्न है आपके लिए पिंक वॉलवर्म वर्म सुनाई होगा आपने तो यहां पर देर न करते हुए चलते हैं कहा अपने उत्तर पे या फिर कहा जाए विकल्प पे विकल्प बी सही है कपास में ये पाए जाते हैं आपके क्या पिंक वॉलवर्म जी हाँ बात करते हैं पिंक वॉलबर्म की तो पिंक वॉलबर्म आपका इस तरह से दिखता है दोस्त जी पिंक की बात करें तो इस तरह से दिखता है जो आपकी कपास की फसल होती है तो बड़ी मात्रा में कपास की फसल का नुकसान करते हैं कौन पिंक वॉलवर्म यादगा पिंक वॉलवर्म देखा जाए दोस्तों यहां पर अगर बात करें एडल्ट मोथ की बात करें तो यह क्या करता है चार से आठ दिन कहा अगर आपके कॉटन के या फिर कहा जाए उस खेत में जहां पर आपने कपास के पौधे लगा रखे अगर वहां पर ये देखा गया है तो ये क्या करेगा ये अंडे देगा जी हां अंडे देगा चार पांच दिन में उसके बाद देखा जाए तो दस से चौदह दिन में ये अंडा क्या होगा दोस्त पिंक वॉलमर्म लार्वा बन जाएगा लार्वा बनने के बाद क्या होगा प्यूपा बन जाएगा ये इनका देखा जाए नौ दिन में देखा जाए क्या होता है दोस्त ये आपका पिंक वॉलमर्म की लाइफ साइकिल होती है और इतने ही दिनों में क्या करते हैं इस कपास के फल को ठीक दोस्त कपास के फल नहीं फूल को क्या करते हैं ये खा जाते हैं जी हाँ ये नष्ट कर देते हैं ऐसे में देखा जाए जो किसान कॉटन का उत्पादन कर रहे हैं तो कॉटन का उत्पादन एक बड़ी मात्रा में प्रभावित होता है पिंक पिंक वॉल वॉल वर्म वर्म के के लिए जी हाँ, पिंक वर्म के चलते बहुत बड़ी मात्रा में कॉटन का उत्पादन क्या होता है प्रभावित होता है और देखा जाए तो पिंक वॉल वर्म दोस्त ये कॉटन के लिए देखा जाए तो बहुत घातक होता है जी हाँ कॉटन के लिए घातक होता है ठीक बहुत बढ़िया बिल्कुल चलिए चलते हैं आगे हिमालयी ग्रिफोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें हिमालयी ग्रिफोन अगर आपको नाम याद हो हिमालयी ग्रिफोन का तो जी हां हिमालयी ग्रिफॉन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको तो पहला कथन क्या कह रहा है दोस्त सबसे पहले तो, तो यह बता दूं कि भाई ये क्या है यह एक गिद्ध है ठीक दोस्त तो पहला कथन क्या कहता है कि यह हिमालय और तिब्बती पठार के मूल निवासी पुरानी दुनिया के सबसे बड़े गिद्धों में से एक है दूसरा इसे आयु की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के तहत इसको संरक्षित किया गया है जी हाँ तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है सीएमएस की और आयु सी की बात कर रहा है दोस्त सीएमएस और आयु की बात कर रहा है तो सही कथन चुनना है आपको तो कौन सा कथन इसमें सही हो सकता है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों डी न तो एक और न ही दो जी हां हिमालय गिरफान की बात हो रही है तो ये आपका हिमालय गिरफान की अगर बात करें तो जी हां ये संकटग्रस्त की श्रेणी में है जी हां बिल्कुल बात करते हैं हिमालय गिरफान की बात तो यहां पर हिमालय गिरफान की बात करें चलिए तो यहां पर विकल्प आपका क्या होगा विकल्प सी होगा एक और दो दोनों याद रखिएगा एक और दो दोनों की बात करते हैं हिमालय वल्चर की बात करें तो जी हां हाँ देखा जाए तो नियर थ्रेटन की बात है यानी कि कहा जाए संकट के निकट है है ये, और सीएमएस ये में भी क्या लिस्टेड है याद रखिएगा सीएमएस में भी लिस्टेड है और यह केवल यही नहीं जी हाँ ये हिमालय बोला जाता है इनको तो यह केवल यही नहीं कजाकिस्तान मंगोलिया चाइना इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान नेपाल भूटान ईरान उज्बेकिस्तान तक ये क्या करते हैं भ्रमण करते रहते हैं जी हां तो काफी लंबी चौड़ी इनकी क्या है इनकी यात्रा का रूट है तो ये प्रवास भी करते हैं याद रखिएगा हिमालय गिरफान और ये कहा है दोस्त ये नियर थ्रिटेन में शामिल किए गए हैं अब देखा जाए दोस्त तो जो हमारे गिद्ध हैं जी हाँ गिद्धों की बात करें तो नौ प्रजातियां कहा भारत में पाई जाती हैं याद रखिएगा नौ प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं जिनमें से चार आपकी क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद रखिएगा चार क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो जी हाँ तो रेड हेडेड वल्चर की बात करें तो रेड हेडेड वल्चर आपका क्या है आयु में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है याद रखिएगा लिख लीजिएगा रेड हेडेड वल्चर की बात सिलेंडर विल्ड वल्चर जी हाँ सिलेंडर विल्ड वल्चर ये क्या है यार दोस्त ये भी आयु की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वहीं व्हाइट रैम्ड वल्चर जी हाथ व्हाइट रैम्ड वल्चर की बात करें तो ये भी आयु में क्या है आयुषीएन में क्रिटिकली इंडेजर्ड है और वहीं बात करें इंडियन लॉन्ग वल्चर की बात जी ये भी आपका IUCN में इंडेंजर्ड है? है तो चार यहां पर जो भारतीय गिद्ध हैं वो क्या है दोस्त गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं गंभीर रूप से संकटग्रस्त है आयु की रेड लिस्ट में वही बात करें किसकी दोस्त वही बात करें आपके किसकी हिमालय ग्रीफॉन की जी हाथ हिमालय ग्रीफॉन की बात करें तो ये क्या है दोस्त ये नियर थ्रेटेंड है जी हाँ? ये क्या है दोस्त ये नियर थ्रेटेंड है IUCN की लिस्ट में ये क्या है नियर थ्रेटेंड है N -T है है नियर वही बात करें किसकी यूरेशियन ग्रीफॉन की तो यूरेशियन ग्रीफॉन क्या है दोस्त आयु की रेड लिस्ट में क्या है ये लीज कंसर्न है यानी कि कम चिंतनीय है और ये संकट के निकट हैं जी हाँ ये संकट के निकट हैं

सॉरी तीन आपके नियर थ्रेटेंड हैं एक आपका लीज कंसर्न है और यहीं पर इजिप्शियन वल्चर की बात करें तो ये क्या है दोस्त इजिप्शियन वल्चर ये आपका की सूची में शामिल है IUCN की की लिस्ट में में यह की सूची शामिल किया गया है ठीक तो ये चीजें आपके लिए जवान पर रटी होनी चाहिए कौन सा क्रिटिकल इंडेंजर्ड है कौन सा जो है आपका लीज कंसर्न है कौन सा इंडेंजर्ड है ठीक कौन सा नियर थ्रेटेंड है अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर जी हाँ हाल ही में समाचारों में देखा गया पौधा बोर्थेकेरा का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है जी हाँ एक नाम है पौधे का नाम है बोर्थेकेरा जी हां बोर्थेकेरा का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है जैव ईंधन उत्पादन बी स्थानिक वाद का खतरा सी औषधि अनुप्रयोग की बात डी कपड़ा निर्माण की बात ठीक तो चार विकल्प है यहां पर तो इस पौधे का उपयोग कहां किया जाता है जैव ईंधन उत्पादन में या फिर कहा जाए इस पौधे को देखा जाए स्थानिकवाद से खतरा है यानी कहा जाए एलियन एफिस से खतरा है औषधि उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है या फिर कपड़े के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो हम किसकी बात कर रहे बोर्थे केरा जी हाँ बोर्थे केरा एक प्लांट है जिसका उपयोग किया जा रहा है किसके लिए जिसका उपयोग औषधि अनुप्रयोग के लिए किया जा रहा है जी हाँ विकल्प सी सही है औषधि उपयोग औषधि अनुप्रयोग के लिए यानी इस पौधे के उपयोग की बात करें उपयोगता की बात करें तो यह आपके मेडिसिनल प्लांट्स की श्रेणी में आता है जी हाँ तो ये आपके देखा जाए खास करके कहा आसाम में पाया जाता है जी हाँ आसाम में पाया जाता है और हां यदि आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जी हां तो बोर्थी केरा को आपको क्या करना पड़ेगा खाना पड़ेगा जी हाँ ये है बोर्थी केरा देखा जाए दोस्तों यह क्या है मेडिसिनल प्लांट है तो ये देखा जाए दोस्तों ये कार्डियो जी हाँ कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रोएक्टिव कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें कार्डियो प्रोडक्टिव यानी प्रोटेक्टिव यानी कि आपके हृदय को सुरक्षित रखने वाले गुण इस पौधे के फलों के अंदर पाए जाते हैं जी हाँ ये देखा जाए दोस्तों कहा आपके असम में इसको बोर्थी केरा के नाम से बुलाया जाता है असम में बोर्थी केरा कहते हैं याद रखिएगा जी हां बोर्थी केरा के नाम से इसको जानते हैं सभी लोग ठीक चलिए आगे चलते हैं आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर घरेलू और प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया जी हाँ यह एक प्रश्न है आपके लिए तो प्रश्न का क्या देखा जाए प्रश्न क्या है आपके लिए घरेलू और प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया जी हाँ घरेलू और प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण तो ये चार विकल्प हैं आपके सामने चार विकल्पों में बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय श्रम ब्यूरो नीति आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये चार विकल्प हैं आपके लिए तो घरेलू और समस्त प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की बात आई है तो किसने जारी किया है यह जी हाँ किसने जारी किया है तो हम किसकी बात करेंगे जी हाँ देर न करते हुए अपने उत्तर पर आते हैं तो अपना उत्तर क्या है दोस्त श्रम ब्यूरो जी हाँ बी यानी कि श्रम ब्यूरो की बात विकल्प जो है आपका बी सही है यानी श्रम ब्यूरो की बात थी दोस्त श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत देखा जाए दोस्तों ये क्या करता है हमारा श्रम ब्यूरो क्या करता है कार्य करता है और खास करके जो हमारे श्रमिक हैं प्रवासी श्रमिक है उनकी उनका लेखा जोखा इसके पास होता है जी दोस्त ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स की बात एंड साथ ही साथ देखा जाए तो ये माइग्रेंट वर्कर्स की भी बात करते हैं जी हाँ डोमेस्टिक वर्कर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं एस्टिमेट द नंबर जी हाँ प्रोपोर्शन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल की बात करते हैं जी हाँ तो राष्ट्रीय स्तर पर या राज्यों के स्तर पर नेशनल वर्कर्स की क्या प्रोपोर्शन है या फिर कहा जाए क्या संख्या है उसका हिसाब रखना प्रवासी जो श्रमिक है उनका हिसाब रखना प्रवासी श्रमिक किस किस देश में गए हैं सारा डेटा सारा आंकड़ा रखना इनका काम है जी हां श्रम ब्यूरो का काम है श्रम ब्यूरो काम करता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत ठीक हो यह याद रखिएगा आगे चले हाल ही में खबरों में रहा तानसा वन जीव जी हां तानसा वन जीव अभ्यारण्य स्थित है तानसा जीव अभ्यारण कहा स्थित है हाल ही में देखा गया या कहा जाए खबरों में रहा तानसा वन ज्यू अभ्यारण कहा स्थित है ए झारखंड बी असम सी महाराष्ट्र डी राजस्थान चार राज्य दिए गए हैं आपके तो आपको बताना है तानसा वनजीव अभ्यारण्य कहा अवस्थित है जी हाँ कहाँ अवस्थित है आपका तानसा वनजीव अभ्यारण्य अब बात करें किसकी तानसा वनजीव अभ्यारण की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जी हाँ कहां अवस्थित है देखा जाए विकल्प आपका सी महाराष्ट्र जी हाँ तो ये कहा आपके महाराष्ट्र में अवस्थित है आपका तानसा वनजीव अभ्यारण जी हाँ तानसा वन्यजीव अभ्यारण की बात आगे बात करते हैं पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है एक नाम दिया गया है आपके सामने अब इस नाम के तहत आपको चयन करना है कि ये जो नाम दिया गया है वह किससे संबंधित है या किस जीव से संबंधित है जी हां किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है यह एक सांप की प्रजाति है यह तितली की प्रजाति है यह एक मेंढक की प्रजाति है या यह, यह एक ड्रैगन फ्लाई है जी हाँ यह एक ड्रैगन फ्लाई है मेंढक है तितली है या सांप है कौन सी प्रजाति है आपकी पेंट ब्रश स्विफ्ट जी हाँ नाम लिख लीजिएगा नाम बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए पेंट ब्रश स्विफ्ट की बात तो पेंट ब्रश स्विफ्ट देखा जाए दोस्तों तो हमने अभी नोबेल हेलन की बात कही थी तो नोबेल हेलन अगर किसी बच्चे को याद हो ठीक नोबेल हेलन की बात नोबेल हेलन क्या था देखा जाए दोस्त यह आपकी एक तितली थी ठीक दोस्त यह क्या थी यह आपकी एक तितली थी तो याद रखिएगा नोबेल हेलन तितली थी तो ऐसे में देखा जाए तो पेंट ब्रश स्विफ्ट यह भी क्या है दोस्त ये भी देखा जाए तो आपकी एक तितली है जी हाँ आपकी ये क्या है दोस्त तितली है यानी विकल्प बी आपका सही है विकल्प बी तो किसकी बात हो रही है पेंट ब्रश स्विफ्ट की तो इस तरह से दिखाई देता है आपका पेंट ब्रश स्विफ्ट कई देखा जाए दोस्तों कई चीजें आप करते हो आपने किया भी होगा आपने महसूस भी किया होगा ऐसे जब आपको दिखता है क्या ऐसे जब आपको दिखता है यह तितली खास करके ये बड़ी होती हैं छोटी नहीं होती बड़ी होती हैं जब ये कितनियां दिखती हैं आपको तो आप अगर पकड़ने का प्रयास करते हो या फिर आपके शरीर से यह टच होके जाती हैं तो इनके पंखों में लगे हुए जो पेंट हैं या फिर कहा जाए जो इनके चमकदार चीजें हैं वो आपके हाथों पे आपके कपड़ों पे लग जाती हैं ठीक याद याद होगा आपको तो आप अगर इनको पकड़ने का भी प्रयास करते हैं तो आपकी उंगलियों में भी क्या होता है सफेद सफेद चीजें या चिकनाई युक्त चीजें लग जाती हैं तो ये है वही आपकी पेंट ब्रश स्विफ्ट की बात जी हाँ पेंट ब्रश स्विफ्ट यह क्या है दोस्त यह एक तितली है याद रखिएगा यह क्या है दोस्त यह एक तितली है ठीक दोस्त तितली है पेंट ब्रश स्विफ्ट की बात ठीक ठीक ऐसे आपने किया होगा तो आपके हाथों में क्या करते हैं आपके हाथों में अक्सर देखा जाए कि गांव में खास करके गांव की बात बताता हूं गांव में क्या होता है गांव में जो वृद्ध महिलाएं होती हैं या फिर पुरानी जो हमारी दादी अम्मा होती हैं वो क्या करती हैं जब घर में छोटे बच्चे खास करके किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो लोग कहते हैं कि इस प्रकार का कीड़ा जो है उसके आस पास न आने पाए जी हाँ तो वो क्यों कहती उसका भी रीजन है रीजन ये है कि इनके पंखों से निकलने वाले जो पॉलिटेंट या कहा जाए कर्ण है या फिर कहा जाए इनके जो कलर हैं वो उस बच्चे की स्किन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं तो जी हाँ तो इसीलिए देखा जाए तो पुरानी जो चीजें होती हैं केवल कोर कल्पित नहीं होती पुरानी जो दादी अम्मा की जो या फिर कहा जाए नाना नानी की जो आ, कहा जाए सुझाव होते हैं या फिर उनके जो नुस्खे होते हैं वो भी बहुत कारगर होते हैं तो जी हाँ पेंट ब्रश जो है आपकी जो तितली है उसकी बात कर लें चलिए उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन जी हाँ प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स जिसको हम प्रीट के नाम से जानते हैं प्रीट पहल किसके द्वारा शुरू की गई है जी हाँ एक पहल है उभरते हुए खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स की बात पहल किसके द्वारा शुरू की गई है ए विश्व व्यापार संगठन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सी विश्व स्वास्थ्य संगठन डी जी ट्वेंटी की बात तो ये आपका देखा जाए तो चार विकल्प दिए गए हैं इन चार विकल्पों में आपको क्या करना है बताना है कि प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स प्रेट पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है तो यहां पर जो मेरे पुराने बच्चे होंगे उनको देखा जाए तो बहुत कठिन शब्दों में या फिर कहा जाए कठिन प्रश्नों में मैंने ये सब चीज पूछा था उनसे तो उनको ये चीजें याद होंगी तो प्रेट पहल की बात करें तो जी हां देर न करते हुए चलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि विकल्प सी है आपका प्रेट की बात करें विकल्प सी डब्ल्यू एच ओ जो है वो क्या करता है वो देखा जाए इस पहल को लागू करता है आइए बात करते हैं प्रेट पे जी हाँ प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स की बात मॉड्यूल फर्स्ट प्लानिंग फॉर रेस्पिरेटरी पैथोजन पेंडेमिक्स की बात किस पे बात आई थी आई थी बात आपके कोविड 19 पर दोस्त कोविड 19 की बात आई थी पैथोजन क्या होते हैं दोस्त पैथोजन पैथोजन की बात इसमें आपके कबक आएंगे जीवाणु आएंगे वायरस सारी चीजें आ जाती हैं पैथोजन में भाई अगर आपको कोविड 19 हुआ है तो इसका जो सिम्टम्स है वो क्या है इससे किस वजह से हुआ है कौन सा वायरस है कोई जीवाणु है वायरस है विषाणु है क्या है कवक है सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाए आ जाएंगी ठीक तो भाई अगर ऐसी चीज़ें होती हैं ऐसी चीज़ें आउटब्रेक होती हैं हमारी तो इसके लिए हमारी क्या तैयारियां हैं इसके लिए हमने देखा जाए तो हम कैसे तैयार हैं ठीक दोस्त कैसे तैयार हैं यानी कैसे प्रिपेयर हैं हमने क्या योजनाएं बना रखी क्या हमने प्लानिंग कर रखी ठीक क्या योजना बना रखी हमने क्या प्लानिंग कर रखी और देखा जाए हमारे पास रिसोर्स या फिर कहा जाए सुविधाएं कितनी हैं ठीक दोस्त सुविधाएं कितनी हैं उसका आकलन कैसे होगा ये सब चीजें हम क्या करते हैं इनमें जानने का प्रयास कहा जाए इस पहल में आपको तैयार रखने के लिए कहा गया है यानी कि आपको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी होगी आगे आने वाले जो पैंडेमिक्स हैं चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं या तो आपके रेस्पायरेटरी या फिर कहा जाए श्वसन संबंधित पैंडेमिक्स हो सकते हैं या फिर कहा जाए प्लेग जैसे पेंडेमिक्स हो सकते हैं जी हाँ प्लेग जैसे पेंडेमिक्स भी हो सकते हैं तो अभी जैसे हम बात करते हैं किसकी इस जो है इस इनिशिएटिव की तो यहां पर देखा जाए दोस्तों यहां पर क्या हो रही है यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले तो यहां पर प्लानिंग होगी ग्रुप्स में कि भाई ये जो पैथोजेंस बेस्ड हैं ये आपके चीजें ये फैलती कैसे हैं इसका देखा जाए फैलता कैसे है यह फैलने का स्रोत क्या है ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है या फिर कहा जाए एयर से सेपरेट होता है या फिर कहा जाए कि यह आपके छूने से फैलता है ट्रांजिट है कि हाई ट्रांजिट है ये सब चीजें हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं तो यहां पर रहे है तो इसमें कितना पोटेंशियल है, 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 कि है हमको नुकसान पहुंचाने का हमको हार्म करने का यानी हमको कितना नुकसान पहुंचा सकता है यह पैथोजन जैसे कोविड नाइनटीन की बात आपने देखा एक नहीं दो नहीं मिलियंस जो है डेथ हो गई जी हाथ मिलियंस लोग मारे गए किसमें कोविड 19 में जी हाँ आप शायद वह पर याद नहीं करना चाहते जी हां और सही भी है दोस्त याद नहीं करना है फंक्शनल की बात करें तो हम किस तरह से तैयार हैं हमारा रूटीन सिस्टम क्या है उस चीज को देखा है टैकल करने के लिए बात करें किसकी इफिशियंसी हमारी कितनी है और देखा जाए तो हम यहां पर कोलोबरेटिव हैं कि नहीं है ये सब चीजें जाननी पड़ेंगी यानी कि कहा जाए सरकार अस्पताल लोग इन तीनों लोगों का कोलेबोरेशन है कि नहीं जब तक सरकार का अस्पताल का और लोगों का समर्थन नहीं होगा किसी भी पैंडेमिक में तब तक किसी भी पैंडेमिक को रोका नहीं जा सकता उसका जो आउटब्रेक है वो बढ़ता रहेगा उसका जो स्प्रेशन है स्प्रेड है वो बढ़ता रहेगा दोस्त वो बढ़ता ही रहेगा संपूर्ण विश्व में क्या होगा संपूर्ण विश्व में देखा जाएगा तो यहां पर देखा जाए दोस्तों तो हमें क्या करना है तो हमें देखा जाए दोस्तों कोलेबरेटिव सर्विलांस यूज करना पड़ेगा जी हाँ यहां पर हमें किसको लाना पड़ेगा यहां पर हमें अपने इंस्टीट्यूट को लाना पड़ेगा ठीक दोस्त इंस्टीट्यूट को लाना पड़ेगा यहां पर हमें सरकार को लाना पड़ेगा यहां पर हमें किसको यहां पर हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा लोगों को लाना पड़ेगा साथ में साथ 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 देखा जाए तो ये एक से मतलब कि भाई हर चीज करनी पड़ेगी इसके अंतर्गत बहुत सारी कार्य आएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे जी हाँ कम्युनिटी प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीजें होंगी हम वो करेंगे यानी कि कहा जाए अगर हमें दूरी बनानी है हमें क्या करना है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है या फिर हमें क्वारंटाइन का पालन करना है तो वो हमें करना ही पड़ेगा और सारी चीजें किसके लिए हो रही हैं जो हमारा समुदाय है उसकी रक्षा के लिए जी हाँ तो क्लिनिकल केयर की उपस्थिति जी हाँ ये क्या है दोस्त ये भी जरूरी है क्लिनिकल केयर यानी कि आपके पास जो सुविधाएं हैं या फिर कहा जाए जो इंफ्रा है किसका अस्पतालों का वह है कि नहीं है वही बात भाई एस एस टू कम्युनिटी जी हाँ एस एस टू काउंटर मीजर्स की बात काउंटर मीजर्स की बात करते हैं कि भाई अगर कोविड नाइनटीन किसी को हुआ है तो रेमडीसीविर दवाई तक उसकी पहुंच है कि नहीं है ठीक यानी कि अगर आप किसी महामारी की चपेट में आ गए हैं सरकार ने वह दवाई अगर बना ली है या फिर कहा जाए उसका अगर इलाज संभव है तो क्या उस इलाज तक आपकी पहुंच है तो जी हाँ यह पहल वही आपके सामने चीजें रखती है कि भाई आपको उस पहल तक या फिर कहा जाए उस रिसोर्स तक पहुंचाया जाएगा उस दवाई तक आपको आपकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी तो ये देखा जाए दोस्तों अपने आप में ही एक अनोखी पहल है और जी हाँ तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको तैयार रहना पड़ेगा ठीक प्रिपेयरनेस वर्क करना पड़ेगा आपको जी हाँ यहाँ पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत रखना पड़ेगा साथ साथ देखा जाए तो हेल्थ इज एवरीमस बिजनेस तो सभी के लिए चाहे वो सरकार हो चाहे वह इंस्टीट्यूट हो चाहे वह सोसाइटी हो सभी के लिए देखा जाए दोस्तों हेल्थ क्या है हेल्थ अमूल्य है जी हाँ हेल्थ अमूल्य है और देखा जाए नो वन इज सेफ अंटिल एवरी वन इज सेफ कोई भी सुरक्षित नहीं है जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं हो जाता जी हाँ अगर मैं किसी बीमारी से ग्रसित हूं अगर मैं सुरक्षित नहीं हूं उस बीमारी से तो कोई भी सुरक्षित नहीं है मुझसे और लोगों को फैल जाती फैल सकती है यह बीमारी या कोविड नाइनटीन में क्या हुआ ऐसे ही तो आउटब्रेक हुआ किसी एक से हुआ एक से दस लोगों को दस ने सौ को किया सौ ने हजारों लाखों को किया इस तरह से क्या हुई इस तरह से ट्रांजिट हुई यह बीमारी और जी हां दोस्त रिस्पॉन्स मस्ट बी एजाइल एंड एडोप्टिव जी हाँ रिस्पॉन्स जो है क्या होना चाहिए सरकार का हो का हो या सोसाइटी का हो वो क्या होना चाहिए वो देखा जाए तो त्वरित गति से होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए ठीक ये सब चीजें इस पहल में कही गई हैं यानी कि आगे आने वाली कोई भी यदि महामारी है तो उसके लिए कोविड नाइन्टीन हमें सिखा के गया है कि हमें करना क्या है जी हाँ हमें करना क्या है डब्ल्यू ने जारी की एक पहल प्रेट जी हाँ तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दो के लिए ये आने वाला है आपके लिए और देखा जाए तो महामारी जैसे घोषित होती है महामारी कैसे घोषित होती है उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कौन घोषित करता है तो ये सब चीजें भी आप एक बार देख लीजिएगा तो वर्तमान समय में देखा जाए कितनी बीमारियों को महामारी वैश्विक महामारी घोषित की जा चुकी है उसका नाम भी आप लिख लीजिएगा याद कर लीजिएगा चलिए आगे बात करते हैं अच्छा जी मन मधुरई मिट्टी के बर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आइए दोस्त अच्छा जी ये आपके लिए सरप्राइज है अच्छा मन मिट्टी के बर्तनों की बात आई है जी हां मिट्टी के बर्तन कथनों के पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु राज्य से उत्पन्न एक मिट्टी के बर्तन का रूप है यह जल निकायों से प्राप्त एक अनोखी प्रकार की मिट्टी से बनाया गया है और इसमें किसी भी रंग का उपयोग नहीं किया गया है अच्छा जी तो सही कथन हमें चुनना है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और न ही दो की बात तो यहां पर चार विकल्प हैं आपके तो सही कथन चुनना है आपको मन मधुरे पोइट्री के बारे में या पोट्री के बारे में या फिर मिट्टी के बर्तन के बारे में ठीक चलिए तो देखा जाए बात किसी कर रहे हैं हम जी हां बात कर रहे हैं अपने हम सही कथन की तो सही कथन कौन सा होगा तो विकल्प ए है तो जी हाँ अनोखी प्रकार की मिट्टी से बनाया गया है ठीक है लेकिन किसी भी रंग का उपयोग नहीं किया जाता ऐसा नहीं है दोस्त लाल रंग होता है इसमें तो यहां पर आपका केवल विकल्प ए जो है वो सही होगा तो जी हां देखा जाए दोस्तों ये क्या है ये आपका वैगई नदी मन मदुरई मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों के लिए उपयोग की जाने मिट्टी को समृद्ध करती है जी दोस्त तो ये वैगई नदी क्या होती है वैगई नदी से प्राप्त मिट्टी से ये बनाई गई आपकी मन मदुरई मिट्टी के बर्तन है इनको जीआई टैग दिया गया है हाल ही में जी हाँ इनको हाल ही में क्या दिया गया है जीआई

इनको जीआई टैग दिया गया है रंग का प्रयोग होता है और देखा जाए तो ये क्या है वैगई नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनाए गए बर्तन है ठीक दोस्त याद रखिएगा चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की जी हाँ अगला प्रश्न क्या है खबरों में चर्चा में रही या देखी गई एक अनोखी भू आकृति तमजा ब्लू होल ठीक दोस्त तमजा ब्लू होल किसके तट पर स्थित है जी हाँ तमजा ब्लू होल किसके तट पर स्थित है कौन बताएगा जी हां खबरों में देखी गई एक अनोखी भू आकृति तमजा ब्लू होल किसके तट पर स्थित है ए ब्राजील बी तंजानिया सी आपका अल्जीरिया डी मैक्सिको तमजा ब्लू होल जी हाँ तमजा ब्लू होल की बात चले जी हां देखा जाए तमजा ब्लू होल की बात तो ये आपके मैक्सिको के तट पर जी हां मैक्सिको विकल्प डी आपका सही है मैक्सिको ये है आपका वह ब्लू होल याद रखिएगा छोटा मोटा कोई होल नहीं है ये बहुत बड़ा होल है 900 मीटर गहरा होल है याद रखिएगा 900 मीटर से अधिक गहरा ये होल है ठीक तो ये है आपका तमजा ब्लू होल कहां पे अवस्थित है ये आपका देखा जाए तो मैक्सिको में है ठीक दोस्त कहा मैक्सिको में है ठीक दोस्त मैक्सिको में है अब देखा जाए दोस्त यह नौ फीट गहरा है सॉरी नौ मीटर नहीं नौ फीट गहरा है और वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल करार दिया है जी हाँ दूसरा सबसे बड़ा गहरा ब्लू होल करार दिया है और देखा जाए दोस्त ये आपके कहाँ मैक्सिको की खाड़ी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर ठीक दोस्त तो मैक्सिको के जो है दोस्त तट के आस पास है ये और देखा जाए दोस्त तो ये यहाँ पर इसकी सतह पर खाड़ी भुजाओं वाली लगभग गोलाकार आकृति है जो बायोफिल्म तलछट चूना पत्थर और जिप्सम के किनारों से ढकी एक शंक सचना बनाती है और देखा जाए दोस्त तो यह चेतमूल खाड़ी के मध्य भाग में याद रखिएगा तो यहां पर क्या है दोस्त यहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम है चेतमूल तो चेतमूल खाड़ी में यह मध्य भाग में पाया जाता है ठीक दोस्त तो यहां पर जा देखा जाए सिंकहोल देखा जाए इसको स्थानीय रूप से पोजास कहा जाता है जी हां स्थानीय रूप से इसको क्या कहा जाता है पोजास ठीक रूप से इसको पोजास कहा जाता है तमजा ब्लू सिंकहोल की बात ठीक देखा जाए दोस्त ये आपका जो ब्लू होल है ठीक ये क्या है ये इस तरह से दिखता है याद रखिएगा छोटा मोटा नहीं है बड़ा है तो ये लगभग गोलाकार देखा जाए आकार में दिखाई देता है आपको ठीक गोलाकार आकार में दिखाई देता है तमजा ब्लू होल की बात ठीक तो यहां पर देखा जाए तो आपकी एक नाव टहल रही है तो छोटी सी नाव है और इसका जो व्यास है वो काफी बड़ा है तो ये कहा यह देखा जाए तो चेतमुल की खाड़ी नक्सिको के तट पर ठीक दोस्त नक्सिको के तट पर उपस्थित है भारत में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए किस संस्थान ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है एक संस्थान है उसने भारत में देखा जाए वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया है अब किस संस्थान ने चलाया है आपको पहचानना है जी हां यूएनईपी की बात जी हां यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात जी हां यूएनएफसीसीसी की बात साथ साथ किसकी बात कर रहे हैं विश्व बैंक की बात कर रहे और डब्ल्यूफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ठीक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये चार आपके देखा जाए तो कौन से हैं चार संस्थाएं हैं तो अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संस्था भारत में वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू की है इसने भारत में खास करके अब देखा जाए दोस्तों आपको लग सकता है कि यूएनईपी हो सकता है यूएनएफसी हो सकता है विश्व बैंक हो सकता है या डब्ल्यू हो सकता है डब्ल्यूफ के बारे में हो सकता है आपकी कोई राय न बने ठीक लेकिन तीन जो विकल्प हैं ये अपने आप में ही क्या है अनोखे हैं तो ऐसे में हम बात करते हैं किसकी विश्व बैंक की तो विकल्प सी जो है आपका क्या है सही है तो विश्व बैंक क्या कर रहा है भारत में देखा जाए दोस्त तो स्टार्विंग फॉर क्लीन एयर एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया की बात करता है और भारत में भी यह एक व्यापक कार्यक्रम चला रहा है जी हाँ कौन विश्व बैंक याद रखिएगा विश्व बैंक क्या कर रहा है भारत में देखा जाए तो क्या कर रहा है दोस्त भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कर रहा है दोस्त यह कार्यक्रम चला रहा है ठीक अब बात आई किसकी बात आई इसकी स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया की बात तो यह देखा जाए द वर्ल्ड बैंक जी हाँ द वर्ल्ड बैंक साथ साथ देख देखा जाए तो हमारे जो ईट के भट्टे हैं वो अपने मानक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं हमारे जो मोटर वाहन हैं वो अपने मानक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं उनके जो गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं उस गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं ऑटो रिक्शा की बात यानी कोई भी वाहन है जो जीवाश्म ईंधन से चलता हो जीवाश्म ईंधन की जलाने की बात करता हो खास करके वो गतिविधियां जो वायु प्रदूषण को उत्पन्न कर रही हैं क्या उनका समन किया जा सकता है क्या उनके लिए सरकार ने देखा जाए कोई गाइडलाइन जारी कर रखी है और विश्व बैंक इसमें क्या काम कर सकता है या फिर कहा जाए क्या पहल ला सकता है इस एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए तो यह देखा जाए तो क्यों लाया गया है तो जी हाँ, तो देखा जाए दोस्तों हर साल लगभग सत्रह लाख लोग मारे जाते हैं भारत में केवल वायु प्रदूषण से किससे वायु प्रदूषण से मारे जाते हैं एयर पॉल्यूशन से मारे जाते हैं एक दशमलव पच्चीस लाख बच्चे जीरो से लेके पांच साल तक के ये मारे जाते हैं किससे पीएम पार्टिकल टू पॉइंट फाइव से और ये देखा जाए पीएम पार्टिकल टू पॉइंट फाइव ये आपकी क्या है दोस्त किलिंग मशीन है याद रखिएगा आपकी किलिंग मशीन है आपके फेफड़े तक को पेनिट्रेट कर देती है क्या ये पीएम 2.5 टू पॉइंट फाइव दोस्त याद रखिएगा पीएम 2.5 तो इसके चलते देखा जाए मौतें बहुत हो रही हैं लोगों की जी हाँ लोगों की औसत उम्र औसत उम्र क्या है दोस्त औसत उम्र कम हो रही है जी हाँ खास करके किसकी बात करें दिल्ली की लगभग ग्यारह साल ठीक उत्तर प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दस साल बिहार की बात करें बिहार में लगभग नौ साल ठीक है तो केवल मेन मेन मेगा सिटीज या फिर कहा जाए मेट्रो सिटीज ही एयर प्रदूषण की चपेट में नहीं है आपके वो राज्य भी चपेट में हैं जो देखा जाए तो पिछड़े हैं या फिर कहा जाए वो राज्य भी चपेट में हैं जहां पर विकासात्मक गतिविधियां भी हो रही हैं ठीक उसके बाद उसके बाद बात करें किसकी तो मानक की बात आती है तो भाई ये जो आपकी देखा जाए विश्व बैंक द्वारा स्ट्राइव फॉर क्लीन एयर की बात या पहल चलाई जा रही है कहां भारत में और दक्षिण एशिया में भी ये किसकी बात करता है हवा को स्वच्छ बनाने की आपने देखा कि भाई अगर आप दिल्ली में हैं तो कम से कम आप 12 सिगरेट जी हां 12 सिगरेट बिना आप सिगरेट पिए हुए पी सकते हैं ये आपके लिए सुविधा है बात करें दोस्त तीस हजार लोग जी हाँ केवल और केवल फेफड़े के कैंसर से मारे जाते हैं कहा दिल्ली में याद रखिएगा किसके चलते पीएम पार्टिकल 2.5 के चलते जी हाँ ये आपकी क्या है ये तस्वीर है आपके भारत की यह तस्वीर है दिल्ली की यह तस्वीर है आपके उन राज्यों की जो राज्य प्रगतिशील है या फिर कहा जाए जो राज्य वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं समृद्धि पे है इन चीजों को हम नकार नहीं सकते हैं इन चीजों से लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें सामने आना पड़ेगा सरकार का सहयोग करना पड़ेगा भाई सरकार ने बहुत सारी चीजें या बार बहुत सारी पॉलिसी चला रखी तो जैसे हम बात करते हैं किसकी एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं ठीक एयर पॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा पहले तो आप जान लीजिएगा भाई एयर पॉल्यूशन की बात करें तो हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जी हाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन जारी करता है सीपीसी तो ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण संस्था हो गई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये क्या करता है ये एयर पोलूषण के जो मानक हैं उनको जारी करता है जी हाँ उनको जारी करता है और साथ साथ देखा जाए तो यहां पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा यहां पर आपको नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा जी हाँ इसमें बारह प्रदूषकों को शामिल किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें आठ प्रदूषकों को शामिल किया गया है और यहीं जो आपका नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है ये मानक निर्धारित किया गया है इसमें कि भाई पीएम पार्टिकल 2.5 कितना होगा पीएम पार्टिकल 10 कितना होगा या फिर कहा जाए सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो कितने होंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वो कितने होंगे ठीक और उसके बाद देखा जाए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा हमें पढ़ना पड़ेगा सफर जी हां सफर यह भी क्या है दोस्त ये भी निगरानी तंत्र है हमारा किसके द्वारा ये देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का है ठीक और देखा जाए इसको बनाया किसने आई पुणे ने बनाया ठीक और संचालित कौन कर रहा है आई न्यू दिल्ली संचालित कर रहा है इसको ठीक और वही बात करें किसकी वही बात करें आपके ग्रैप की 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया दिल्ली और दिल्ली और क्या हो रहा है दिल्ली और जो एनसीआर का क्षेत्र है इसमें प्रदूषण बहुत ज्यादा है एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम लंदन स्मोक के चपेट में आने वाले थे अभी हाल ही की बात ठीक यानी कि 1952 में लंदन स्मोक जैसी घटना हमारे यहां भी होने वाली थी वो तो कहिए कि दिन निकल गया वो तो पता नहीं कही हवा चली क्या हुआ ऐसा कि हम उस चपेट में नहीं आए नहीं तो स्थिति बहुत बुरी होती आज तक की बात कराएं तो आप क्या कर सकते हैं आप एयर क्वालिटी इंडेक्स पे जा सकते हैं रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको डेली दिखाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय किस राज्य की कहां पे क्या है तो तीन सौ तिरानवे थी ठीक एक दिन पहले ठीक तीन सौ तिरानवे ये कहा जाए तो अपने आप में क्या है ये खतरनाक है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया प्रदूषण बहुत ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक गाइडलाइन का सेट लाना पड़ेगा हमने क्या लाया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाए हम ठीक तो ये इसको कौन लागू करता था पहले इसको ईपीसीए लागू करता था ठीक 2020 में इसको हटा दिया गया ठीक इसको 2020 में हटाने के बाद इसको लाया गया किसको सी ए क्यू एम कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट लागू करता है अब अब ग्राफ में ही आपकी आती है भैया ऑड और इवेन जो वाहन संचालन की जो गतिविधियां हैं वो आती हैं ठीक इस तरह से क्या करना है आपको इस तरह से चीजें पढ़नी है आपको यह है क्या यूपीएससी ये है यूपीएससी बच्चे ये है यूपीएससी जी हां ये है यूपीएससी और करना पड़ेगा अगर आपको देश की सर्वश्रेष्ठ नौकरी करनी है तो दिमाग को ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या हो बिग बैंग हो जाए इस तरह से अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा अपने माइंड सेट को करना पड़ेगा चीजों को जानना पड़ेगा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त पढ़ना पड़ेगा तो इसके अलावा और कोई चारा है नहीं आपके पास चले चलिए अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर तो जी हां खराई ऊंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए खराई ऊंट की बात पहला वे पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के नमक दलदल में पाए जाने वाले ऊंट की एक दुर्लभ नस्ल है दूसरा वे अपने चारागाह क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैर सकते हैं यहां तक कि गहरे पानी में भी और ज्यादातर मैंग्रोव का भोजन करते हैं ठीक या मैंग्रोव पर ये आधारित रहते हैं या मैंग्रोव इनका भोजन है तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है खराई ऊंट के बारे में खराई ऊंट ऊंट जो है क्या है दोस्त ये खराई ऊंट जो है ये समंदर के जहाज कहे जाते हैं जी हाँ समुद्र के जहाज कहे जाते हैं आपके खराई ऊंट रखेगा समुद्र के जहाज कहे जाते हैं तो विकल्पों की बात कर लें तो यहां पर देखा जाए तो सही कथन चुनना है तो सही कथन केवल बी विकल्प आपका सही है बी विकल्प ये आपके पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के इलाके में नहीं पाए थे पाए जाते ये आपके कहा ये देखा जाए ये कक्ष की खाड़ी दोस्त कक्ष की खाड़ी में या गुजरात में ये पाए जाते हैं हाँ दोस्त कक्ष की खाड़ी या गुजरात में पाए जाते हैं तो हुआ क्या हुआ क्या सी की रिपोर्ट आई कंप्यूटर एटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट आई कि भैया खराई ऊँटों पर प्रतिबंध लगाओ खराई ऊंटों को बांध के रखो या पकड़ो इनको कुछ भी करो इन्होंने 117 मिलियन हेक्टेयर क्या किया है 117 सॉरी 117 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव को समाप्त कर दिया है ठीक तो समाप्त कर दिया है 117 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव को तो अपने आप में भी देखा जाए तो मैंग्रोव के लिए सबसे खतरे की बात कौन खराई ऊंट और खराई ऊंट देखा जाए दोस्त खराई ऊंट को किसकी श्रेणी में रखा गया है ठीक खराई ऊंट की बात करें तो ये आपका जो खराई ऊंट है ये देखा जाए तो आयुषन की रेड लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है याद रखिएगा ये भी क्या है दोस्त ये भी संकटग्रस्त है ये भी संकटग्रस्त है और देखा जाए दोस्त ये कक्ष में ये देखा जाए जामनगर में राजकोट में भावनगर में भरूच में बड़ोदरा में ठीक अहमदाबाद में ये क्या है ये आपके खराई ऊँट पाए जाते हैं तो वर्तमान समय देखा जाए तो इनकी आबादी लगभग चार से पाँच हजार के आसपास है ठीक दोस्त चार से पाँच हजार के आसपास है और ये क्या करते हैं ये झुंड के झुंड भाई साहब मैंग्रोव को खा जाते हैं ठीक और ये मीलों तक तैर सकते हैं मैंग्रोव को खाने के लिए जी हाँ तो एक तो ये रेगिस्तान के जहाज़ तो हैं ही लेकिन ये जो खराई ऊँट हैं ये कहाँ के जहाज़ हैं ये देखा जाए तो आपके समुंदर के जहाज हैं जी हाँ समुद्र के जहाज हैं खराई ऊंट आपके चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न जी हाँ चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करें चलिए कोई बात नहीं इसको हम अगला प्रश्न चलिए कर लेते हैं वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद जी हाँ ग्लोबल विंड एनर्जी देखा जाए दोस्त कमेटी की बात करें देखा जाए इसके बारे में पर विचार करें जी हां विचार करते हैं वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की बात यह अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के तहत स्थापित एक सदस्य आधारित व्यापार संघ है जी यानी वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के सदस्यों में निर्माता अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय पवन और नवीकरणी संघ वित्त और बीमा कंपनियां शामिल हैं। तीसरा यह प्रतिवर्ष वैश्विक पवन रिपोर्ट प्रकाशित करता है अब आपको बताना है कि भैया कौन सा इसमें जो कथन है वह सही है केवल एक और दो केवल एक केवल दो और तीन केवल तीन ठीक तो यहां पर देखा जाए दोस्तों GWEC. तो यहां पर GWEC की बात करेंगे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल में तो यह आपका विकल्प सी सही है जी हाँ तो यह अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के तहत स्थापित नहीं किया गया है याद रखिएगा तो विकल्प सी आपका सही है यहां पर तो जी हां तो ये देखा जाए दोस्त दो में स्थापित किया गया याद रखिएगा दो में वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना 2005 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिनिधि मंच प्रदान करने के लिए की गई थी और देखा जाए दोस्त तो ये किसके साथ में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसका मिशन सुनिश्चित करता है कि पवन ऊर्जा दुनिया के अग्रणी ऊर्जा स्रोतों में से एक के रूप में स्थापित हो सकती है जो पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान कर सकती है किसकी बात करता है विंड एनर्जी की बात करता है जी हां पवन ऊर्जा की बात करता है और हर साल यह ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट जारी करता है जी हां याद रखिएगा ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट याद रखिएगा ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट कौन जारी करता है रिपोर्ट जारी करता है आपका जी हां रिपोर्ट जारी करता है आपका ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल दोस्त और देखा जाए दोस्त आई आर एन ए से संबंधित नहीं है याद रखिए पहला कथन था उससे संबंधित बिल्कुल नहीं है तो 80 से अधिक देश 1500 से अधिक कंपनियां संगठन इसमें वर्तमान समय में क्या है दोस्त वर्तमान समय में संबंधित है इससे ठीक तो 2005 में स्थापित यह या संस्था याद रखिएगा तो यह रहा दोस्त आज के लिए आप सबका प्रश्नों का संग्रह मिलते हैं कल सुबह अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत